नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगा कि SBI कार्ड पर अपना जो आप इंटरनेशनल यूजेज है उसे कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा कि आजकल क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड चल रहा है, तो इसमें इंटरनेशनल यूजेज आप कैसे बंद कर सकते हो ये आज हम देखेंगे। करना क्या है, हमें SBI कार्ड पर जाना है, वेबसाइट पर ही जाना है, लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करोगे एक विंडो नहीं ओपन होगी, इसमें आपके लॉगिन अकाउंट करेगा, यहाँ पे आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाए तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जाना है नीचे रिक्वेस्ट में, यहाँ पे है एक्टिवेट इंटरनेशनल यूजेज, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करते सार ही आपके यहाँ पे दो ऑप्शन शो होंगी, एक्टिवेट और डीएक्टिवेट। अब आपने एक्टिवेट रखनी है या डीएक्टिवेट करनी है ये आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे मैं इसे एक्टिवेट कर लूँगा तो मेरा क्या होगा कि मैं इंटरनेशनल यूजेज कर सकता हूँ, मैं किसी भी इंटरनेशनल वेबसाइट पे जाकर अपना ट्रांजेक्शन्स कर सकता हूँ, मेरा अकाउंट जो है वो पेमेंट जो है पे कर देगा। अगर मैं इसे डीएक्टिवेट ही रखता हूँ, डीएक्टिवेट कर सबमिट कर देता हूँ, तो मेरी अगर मैं पेमेंट करने लगाऊंगा तो मेरे को डिनाइल आ जाएगा कि मेरा कार्ड जो है वो मेरी पेमेंट जो है उसे प्रोसेस नहीं करा। तो दोस्तों ये सिंपल सा प्रोसेस था अपने कार्ड पर इंटरनेशनल यूजेज ऑन या डिसेबल करने के लिए SBI कार्ड पर, क्रेडिट कार्ड पर, SBI क्रेडिट कार्ड पर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको पता भी लग गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर ज़रूर करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जो है लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।